में एक वेल सेट बॉक्सर को चैलेंज करने की उसने हिम्मत की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आई रिस्पेक्ट हिज चैलेंज, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की मुझे चैलेंज करके। कॉन्फिडेंस तो दूर की बात, लगता है चैंप अनुपम के दिमाग में कुछ और ही है। आज है डी डे, आज वो दिन है जिसका हमारे दो बॉक्सर्स बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अब दोनों बॉक्सर्स अपनी अपनी टीम के साथ स्टेडियम आ पहुंचे हैं। इट्स द रियल चैलेंज, द रियल फाइट ऑफ फाइट क्लब। वाकई अभी एक घंटा बाकी है उनकी फाइट से, तो मैं सोच रही थी कि वो बहुत नर्वस फील कर रहे होंगे, एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, इनफैक्ट क्या फील कर रहे होंगे, तो जाके उनसे ग्रीन रूम से मिलते हैं। लेट्स सी हाउ दे फील जस्ट बिफोर द फाइट। आज आपको अपने शिष्य में कितना कॉन्फिडेंस है? बहुत सीखना फूलने वाला है, जो खेलने खेलते देखोगे आप भी देखोगे चौड़ा होगा। और नर्वस अगेन? यस नर्वस अगेन। आई हैव टू कन्वर्ट दैट नर्वसनेस इनटू माय कॉन्फिडेंस एंड आई एम डूइंग दैट बाय टॉकिंग टू हिम, बाय टॉकिंग टू मायसेल्फ, एनकरेजिंग मायसेल्फ, दैट्स इट। अनुपम एक बॉक्सिंग चैंपियन है, उन्होंने कई बार कहा है, मुझसे कहा है कि अनमोल ने मुझे चैलेंज करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तो कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे? ये गलती नहीं है, ये मुझे लगता है कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक चैंपियन के साथ खेल रहा हूँ। I wish you all the best. Thank you. Good luck. अब चलते हैं बॉक्सिंग चैंपियन से मिलने। How are you, coach? क्या सीन है? बस ठीक है, फ्रेश एकदम। फ्रेश एकदम, कोई टेंशन नहीं? नहीं, कोई टेंशन नहीं उसे। आप किसी भी बड़ी फाइट से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बस बाउट के यानी 10-15 मिनट पहले थोड़ा प्लानिंग कर लेता हूँ कैसा खेलना है बस। यहाँ अनुपम अपने दोस्तों के साथ और वहां अनमोल के लिए आ रहा है एक सरप्राइज। अरे अच्छा हुआ आगे, अच्छा लग रहा है थोड़ा। अनमोल आज मैच जीतेगा। अनमोल तो आज बहुत मार खाने वाला है लेकिन जरूर जीतेगा। मैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी रीवेइंग इन। ईच एंड एवरी बाउट्स के पहले हर बॉक्सर फिट है कि नहीं बॉक्सिंग के लिए, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखना पड़ता है। अगर वो उसका थोड़ा भी वेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। अनमोल और अनुपम दोनों सेम वेट कैटेगरी में है, डॉक्टर इनके सारे चेकअप और फॉर्मेलिटीज पूरे करते हैं। आइए पूछते हैं हमारे डॉक्टर साहब से कि हम दोनों की जो बॉक्सर्स हैं उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है। वेइंग इनके हिसाब से दोनों फिट हैं बॉक्सिंग के लिए, दोनों अच्छी तरह बाउट कर सकते हैं, अभी देखते हैं रिंग में वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो यू हर्ड इट राइट फ्रॉम द एक्सपर्ट, दोनों फिजिकली फिट हैं, दोनों इस फाइट के लिए तैयार हैं और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ बॉक्सिंग रिंग में कुछ भी हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन ये नामक चीज आपके पास आने मत दीजिए, या आप हार भी गए तो दुखी मत होइए। आज फाइनल मैच है कि जीतना अनुपम को ही है और इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो चैंपियन था, चैंपियन है और चैंपियन रहेगा। कभी भी निकलता है तो वो मुझे पूछता है व्हाट शुड बी माय बैटल क्राई, हार्ड पे फास्ट करो। मिश्रा चैंपियन है, मिश्रा ही जीतेगा और मिश्रा से बेहतर कोई नहीं है महाराष्ट्र में वेट में। People watching at home, welcome to MTV Fight Club. So the moment is here where they'll finally come face to face. Kya hoga? Who knows? Are you excited? Yahan pe atmosphere is electrifying. I really wish the boxers all the best. Lekin usse pehle hame kuch formalities to karni hi padengi. So we have to do this technicality of introducing three very important people. Please give a huge round of applause for our judges, everybody. Hamare pehle judge, Mr. Rajesh Rao. He's been a boxing coach for the past 10 to 12 years. Our second judge,
is Mr. Preetpal Singh. He's the official physical conditioner for the Indian Navy boxing team. And our third judge is Mr. Rajendra Jathar. He is a ring official and also the coach for the Maharashtra boxing team. A very warm welcome to you, gentlemen. It's a pleasure to have you here. Now, no boxing match is complete without Hamare referee sahab. So please, can we invite Mr. Eknath Chavan? He's been the national level referee for the past 8 years and now the referee for our very own MTV Fight Club. Mr. Chavan. Good evening, sir. A very warm welcome to you. Yahan pe, jaise ki maine kaha hai, atmosphere electrifying hai. Lekin I think nothing can be done before calling hamare two boxers. Audience, please prepare yourself. Kyunki sabse pehle aa rahe hain hamare challenger Anmol apne coach Mr. Bhupendra Shetty ke saath jo honge ring ke blue side mein. Okay, all the best, ladies and gentlemen, a huge round of applause for hamare challenger Anmol. और उसके बाद आ रहे हैं हमारे चैंपियन अनुपम. गुड इवनिंग. ये है अनुपम विद हिज कोच हमारे मिस्टर कृष्ण दास. All the best. Have a great match. Thank you. The excitement is building up. The temperature is soaring. The nerves, the energy, the confidence. This is what they've worked for. Ladies and gentlemen, let the fight begin. अपने अपने कॉर्नर पे हैं. ब्लू कॉर्नर से आ रहे हैं अनमोल, रेड कॉर्नर से अनुपम. बोथ सीम टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड एंड रेडी. ग्लव ऑफ होता है, दोनों अपने कॉर्नर्स पे वापस जाते हैं. रेफरी इज ऑलमोस्ट रेडी. अनुपम को देख के काफी भयानक लग रहा है. ही लुक्स कंप्लीटली रेडी. रेफरी ने फर्स्ट राउंड अनाउंस कर दिया है. फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया. आई एम वेरी एक्साइटेड. क्राउड यहाँ काफी एक्साइटेड लग रही है. माय गॉड, अनमोल को देख के तो ऐसा लग रहा है ये कुछ करेगा आज. दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जांच रहे हैं. अनुपम हैज स्टार्टेड. अनुपम हैज गॉन फॉर द हिट. अनमोल अपना ग्राउंड संभाल रहे हैं. अनुपम बहुत अग्रेसिव लग रहे हैं. धीरे धीरे जैब. अनमोल इज ट्राइंग टू हिट बैक. अनुपम एक और स्कोर फेस पर. अनमोल बच रहे हैं डिफेंस. और अनुपम ने एक बहुत जोरदार हिट किया है. अनुपम इज गोइंग ऑल आउट. ये मैच देख के तो ऐसा लग रहा है इट विल बी ओनली द रिजल्ट विल कम आउट इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ. बट द फाइट इज बिल्डिंग अप. रेफरी साथ में है. अनुपम गोज फॉर द किल. अनुपम अनमोल अनमोल को देख के अब लग रहा है कि वो कुछ. अनुपम इज वेरी अग्रेसिव. दोनों बॉक्सर्स अपने साइड से वापस आते हैं. अनमोल इज गोइंग फॉर अनुपम. अनुपम अनमोल ने फाइट किया, पुश किया कॉर्नर में अनुपम को. पहला राउंड यहीं पे खत्म. अब दोनों बॉक्सर को देख के तो मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है. अनमोल को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो 15 दिन ही हुए हैं उसको फाइट सीखते हुए. कोच भूपेंद्र अनमोल को कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हुए. दूसरे
दूसरे राउंड की शुरुआत दोनों बॉक्सर्स अपने कॉर्नर से आए रेफरी ने फाइट स्टार्ट किया दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं अनुपम को रीच थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है बट यहां पे देखते हुए अनमोल तो आगे बढ़ रहे हैं अनमोल इज गोइंग ऑन द अग्रेसिव रूट अनमोल इज मूविंग अहेड अनमोल एंड अनुपम आर बोथ फिट हेड टू हेड फीट टू फीट ऐसा नहीं लग रहा है कि अनमोल एक नए बॉक्सर है जो कि अनुपम से डर रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर हैं अनुपम लेकिन अनमोल पीछे नहीं हट रहे हैं अनमोल स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है अनमोल इज गेटिंग अग्रेसिव अनुपम ने एक हिट किया है अनमोल को फेस दो स्कोरिंग ब्लोज अनुपम जैब से खेल रहे हैं उनका राइट जैब बहुत स्ट्रांग है राइट जैब लेफ्ट जैब अनमोल हिट बैक करने की कोशिश रेफरी ने गेम रोका और फिर से स्टार्ट अनुपम ने एक पंच दिया है अनमोल इज डिफेंसिव अनमोल ने अपना फेस कवर कर लिया है अनुपम को देख के अब लग रहा है ही वांट्स टू फिनिश द मैच नाउ दो पंच लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अनमोल बचे रेफरी के लास्ट मोमेंट इंटरवेंशन के वजह से क्राउड बिल्कुल एंजॉय कर रहा है फाइट अनुपम आगे बढ़ रहा है अनुपम बिल्कुल फेस के तरफ जा रहे हैं ही इज नॉट प्लेइंग अ सॉफ्ट गेम ही वांट्स टू फिनिश द फाइट नाउ अनमोल को एक फेस पे डायरेक्ट हिट सेकेंड डायरेक्ट हिट थर्ड डायरेक्ट हिट अनमोल हिट्स बैक अनमोल डिफेंस अनमोल जा रहे हैं ऑफेंसिव के लिए रेफरी ने रोका कॉशन किया अनमोल को दोनों फाइट फिर से स्टार्ट अनुपम बिल्कुल प्रिपेयर्ड अनमोल एंड सेकेंड राउंड ऐसा लग रहा था कि इसी राउंड में रिजल्ट्स निकल आएंगे लेकिन अनमोल इज रियली डूइंग अ गुड जॉब तीसरा राउंड इस राउंड में मुझे तो लग रहा है अब रिजल्ट्स आने वाले हैं थर्ड राउंड स्टार्ट रेफरी ने स्टार्ट किया फाइट ही लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एक्साइटेड क्राउड इज गोइंग कंप्लीटली क्रेजी अनमोल अब स्टॉक कर रहे हैं अपने ओपोनेंट अनुपम को अनुपम वेट कर रहे हैं अनुपम गोज फॉर द हिट फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड बार थर्ड जैब फोर्थ लेफ्ट हैंड अपरकट बिल्कुल फेस पर अनमोल इज गोइंग अनमोल अब डिफेंस में अनुपम गिव्स अ लेफ्ट कट अगेन अनमोल लेफ्ट से अपना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अनुपम अब बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे अनुपम वांट्स टू फिनिश द गेम बट अनमोल गोज टुवर्ड्स अनुपम अनमोल पीछे नहीं हट रहे अनुपम बिल्कुल एंड अनमोल ने पुश किया रेफरी ने कॉशन किया अनमोल को अनमोल का लगता है हेड गियर में थोड़ा प्रॉब्लम है क्राउड रोक नहीं पा रही अपने आप को अनमोल बिल्कुल तेजी से बढ़ रहे हैं अनुपम को समझ नहीं आ रहा है कि ये नया बॉक्सर इस तरह कैसे खेल पा रहा है दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं बिल्कुल और अब अनुपम रेडी बिल्कुल गियर लग रहे हैं लेफ्ट जैब करने जा रहे हैं लेफ्ट से वो स्टॉक कर रहे हैं राइट उनका बहुत रेडी में और अनमोल ने हिट किया अनमोल ने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अनुपम पर जवाब में अनुपम ने उनको डराया बिल्कुल धमकाया ही लुक्स लाइक ही स्टॉन्टिंग अनमोल बट अनमोल इज नॉट मूविंग बैक अनमोल ऐसा बिल्कुल एक वॉरियर के तरह आगे बढ़ रहे हैं लगता है अनमोल अनुपम बिल्कुल अनुपम अब रिलेंटलेसली अब अनुपम अपने एक ट्रू फॉर्म में लग रहे हैं अनमोल रेफरी ने रोका अनमोल ने ट्राई किया अनुपम अनमोल अब थोड़े से थके हुए लग रहे हैं एंड दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे को जस्ट सेव्ड बाय द बेल बहुत ही रोमांचक राउंड था दिस वाज अ वेरी एक्साइटिंग राउंड एंड कोच भूपेंद्र अब अनुपम अनमोल के साथ अनमोल थोड़े से थके हुए लग रहे हैं कोच भूपेंद्र उनको कुछ लास्ट मिनट एडवाइस दे रहे हैं बट अनमोल डजंट लुक लाइक ही इज गोइंग टू बैक आउट लास्ट राउंड है फोर्थ राउंड
रेफरी दोनों बॉक्सर्स को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं. इस राउंड में कैन वी सी अ नॉकआउट? अनुपम को देख के तो ऐसा लग रहा है ही विल गो फॉर द किल नाउ. दोनों बॉक्सर्स स्टार्ट, शुरुआत, क्राउड बिल्कुल एक्साइटेड. अनुपम के आईज में, आंखों में एक अलग खून दिख रहा है. जैब करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट, दो लेफ्ट. पॉइंट्स के हिसाब से अनुपम काफी आगे हैं, लेकिन अनमोल पीछे नहीं हट रहे हैं. अनमोल वेट कर रहे हैं उनको, और यहाँ पे अनुपम एक और राइट, दूसरा राइट, फेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अनुपम बिल्कुल. और अब अनुपम का ट्रू चैंपियन स्पिरिट दिख रहा है, वो रुक नहीं रहे. बोथ बॉक्सर्स आर नाउ हेड टू हेड, दोनों लगे हुए हैं. और ये क्या, ये तो ऐसा लग रहा है देयर इज अ रेसलिंग मैच गोइंग ऑन. दोनों बॉक्सर्स अग्रेसिव, पीछे दोनों में से कोई नहीं हट रहे हैं. रेफरी रोकते हैं कॉशन देकर. बॉक्सिंग स्टार्ट फिर से. बॉक्सर्स फिर अपने जगह पर, क्राउड बिल्कुल एंजॉय करते हुए. अनमोल प्रिपेयर्ड है बिल्कुल, वेट कर रहे हैं मौके का. अनुपम, अनमोल, अनुपम ने जैब, एक लेफ्ट जैब, दो राइट जैब. अनुपम काफी अपने लेफ्ट जैब का इस्तेमाल कर रहे हैं. अनमोल, अनुपम, एंड द फाइट. नहीं, ऐसा लगा कि एक मोमेंट में कि अनुपम एक हिट करने वाले हैं, बट डिफेंस में अनमोल ने अपने आप को सेव किया. फाइट अब बिल्डअप कर रही है, लास्ट राउंड है. पॉइंट्स में तो अनुपम आगे लग रहे हैं, लेकिन अनमोल भी पीछे नहीं. एंड अनुपम एक अग्रेसिव टर्न लेते हुए अनमोल, और इस बार अनमोल एक रिंग साइड में लाते हुए अनुपम को पुश कर रहे हैं रोप्स के पास. दोनों एक दूसरे के अब नॉकआउट के लिए जा रहे हैं. क्राउड कैन एंटिसिपेट द फीलिंग, दे कैन सेंस इट दैट देयर माइट बी अ नॉकआउट. बोथ द बॉक्सर्स आर स्टॉकिंग ईच अदर. अनुपम गोज फॉर अ लेफ्ट राइट, दे आर लुकिंग अ लिटिल टायर्ड, बट अनमोल को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो थके हैं. वो राइट कॉम्बिनेशन, और अनुपम ने लेफ्ट. अरे ये क्या हुआ, दोनों के बीच में लगता है कुछ अनबनी झड़प, गाली गलौज. रेफरी ने रोका, और उसी के साथ फोर्थ राउंड खत्म. The crowd is now waiting on. Points. Well, ladies and gentlemen, that brings us to the end of the very first ever MTV Pie Club. जिंदगी का नाम ही है कभी हार कभी जीत, but according to me, हाँ, आज अनुपम जीते जरूर हैं. लेकिन अनमोल हारे नहीं. आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ही इज गोना बी इवन मोर प्रिपेयर्ड. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल देयर इज फ्रॉम मी राइट नाउ, बट मेक श्योर यू लुक आउट, क्योंकि बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे विद टू न्यू कंटेंडर्स ओनली ऑन एमटीवी फाइट क्लब. एंड बी प्रिपेयर्ड टू सी कि कौन हारेगा और कौन किसको मारेगा. मुझे लगता है अनमोल ये मैच जीता है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था. काफ़ी अच्छी बाउट हो गई, मज़ा आ गया बाउट देखने में. चैंपियन को तो चैंपियन बनना ही था, नो डाउट. लेकिन अनमोल ने जो फाइट उसको टफ दिया है, वो भी काफ़ी अच्छा दिया है. काफ़ी अच्छी बाउट देखने मिली आज हमें, 19-20 की बाउट देखने मिली. थोड़ी प्रैक्टिस की और ज़रूरत थी तो शायद ये बाउट का रिजल्ट शायद आज कुछ अलग होता था. फाइट बहुत अच्छा था, अनमोल बहुत अच्छा खेला. बहुत ही अच्छा मैच हुआ, जैसा हमने चाहा था वैसा ही मैच हुआ. और अनुपम ने भी बिल्कुल वैसा खेला, अनमोल ने भी काफ़ी अच्छी फाइट दी उसे. फाइट जीतने के बाद मुझे तो मालूम ही था फाइट जीतने वालों में. मैंने बस स्कूल खेला और बस बहुत जीतने की कोशिश की. अच्छा, बहुत अच्छा खेला उसने. 15 दिन की प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा खेला, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसको. इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ अनमोल. बहुत अच्छा लगा है